मधुरानी, और आज बंगले पर मेरा इंतजार करेगी मेरी बहना। चलते हैं राखी बंधवाने के लिए अपने घर, और तुम भी अपने घर चले जाना, अपनी बहन से राखी बंधवा लेना, उसके बाद भी तत्काल अपने सीमा बॉर्डर पे वापस आएंगे। इसीलिए फटाफट तैयारी करो, चलो। क्या हुआ, क्यों उदास हो गए भाई? सर आप चले जाओ, हम न जाए। क्यों? हम ये नहीं, नहीं तुम्हें चलना पड़ेगा। अरे तुम्हारी बहन इंतजार करेगी। नहीं आप जाओ, हमें बहन नहीं नजाए। क्या बहन नहीं? क्यों झूठ बोलते हो? नहीं जाए, बहन नहीं। कोई बहन नहीं है? कोई बहन नहीं। बचपन से कोई बहन नहीं है? नहीं, एक बहन रही है। तो क्या हुआ? एक बहन रही साहब, और कोई मौहा भी नहीं। अच्छा, मैं बहन को पर एक मौहा गिरा, माँ बहन मर गया। दिमाग मत खराब करो, एक मौहा गिर जाने से कोई इंसान मर जाता है, पागल कहीं के? मौहा के ढार आए गिर गए। अच्छा अच्छा, माँ बहन मर गए, बहन नहीं ना। अब क्या करोगे तुम भी? कर अब क्या करोगे? जैदा भाई बिगड़ी हो तो भी हमें मेहरारू है। हाँ। कहा तो भी चली मेहरारू से राखी बंधवा ले। मेहरारू से राखी बंधवाओगे? हाँ सर। पागल कहीं का? अरे तो अपनी औरत से राखी बंधवाएगा तो तेरी औरत औरत नहीं रह जाएगी, तुम्हारी बहन बन जाएगी वो, उसी वक्त से बहन बन जाएगी। और क्या व्यवस्था आगे का खाता? देखो ऐसा करो, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, हमारी बहन है ना, मेरी बहन को अपनी बहन मान लेना और राखी बंधवा लेना, उसके बाद फिर आ जाएंगे। चलो भी साथ। लेकिन तुम्हें साथ मेरे चलना पड़ेगा। चलो आपकी बहन तो हमारी बहन। ये बात बनाकर वापस। तो सुनो, हम लोग अपने गांव चल रहे हैं और राखी बंधवा कर तत्काल हमें वापस आना है अपने सीमा बॉर्डर पे, क्योंकि जानते हो कि इस राज्य का भार हम लोगों के कंधों पर सौंपा गया है। अगर मौका पाकर के कोई भी दुश्मन अपने सीमा बॉर्डर के अंदर प्रवेश हो गया तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए याद रखना है कि तत्काल हम लोगों को वापस भी आना है, वापस आना है, क्योंकि अपने देश अपने राज्य को आजादी दिलाने के लिए अपने देश के इस पृथ्वी पर महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दिया है। जैसे चंद्रशेखर आजाद सिंह जी को देखिए, सरदार भगत सिंह जी को देखिए, और माननीय श्री महात्मा गांधी जी को देखिए, जिन्होंने आंदोलन छोड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ और कई मुश्किलों के बाद तब जाकर के हम लोग आजाद हुए हैं, और इस आजादी को हम लोग अब कभी दोबारा नहीं छीने देंगे। इसीलिए हम लोगों की यादगार के लिए कुछ अपने देश के दिमागियों ने राष्ट्रीय गीत पर कुछ यादगार के लिए कुछ गीत भी लिख दिए हैं। वो कैसे गीत है सर? सुनो, ये प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा ये प्यारा हिंदुस्तान, प्यारा प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, वीरों का मैदान जिसमें भक्तों के भगवान है, प्यारा हिंद प्यारा हिंदुस्तान है, गोपालों की शान है, हीरों का मैदान।
चली थी गोलियां, जलिया वाला बाद में चली थी गोलियां, मधुरानी है। मैं सेनापत बाग सिंह की बहन हूँ। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उससे रक्षा का वचन लेती है। ऐसे तो मेरे भैया हर रक्षाबंधन के दिन सुबह ही आ जाते थे, लेकिन न जाने क्या बात है, आज शाम होने को आई है लेकिन अभी तक भैया आए नहीं। न जाने वो कहाँ रह गए, मैं उनका इंतजार करती हूँ। मेरे भैया से कहना हो, मेरे बिरला से है वो
नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप यहाँ? लेकिन भैया तो घर पे है नहीं। कोई बात नहीं, भैया नहीं है तुम्हारे तो हम तुम्हारे भैया का संदेशा लेकर आए। मेरे भैया का संदेशा लेकर आए हैं? हाँ। क्या कहा भैया ने? सुनिए मेरी बात। तो मधुरानी की बात को सुनो लगाकर, मधुरानी की बात को सुनो लगाकर ध्यान। और किया सगाई संग में तेरे साथ में, और सुनो कि शादी करना शादी करना मेरे सन जो सभी कार हो, शादी करना शादी करना मेरे सन जो सभी कार हो, और कभी भी न करना इंकार हो, और कभी भी मंत्री जी ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे भैया ने मेरी सगाई तुम्हारे साथ तय किया है? मेरे साथ में नहीं, मेरे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते। क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय किया है? हाय, मेरे पास सबूत? एक मिनट का टाइम दीजिए बिहारी लाल। जो खत इनके भैया ने लिख कर दिया है वो कहाँ है? देख नहीं तो साले काट डालूंगा। अरे वाह मथुरानी जी, ये रहा तुम्हारे भैया का लिखा हुआ खत। मेरे भैया का लिखा हुआ? आहा, इसको आप पढ़ लीजिए, आपको खुद मालूम हो जाएगा तुम्हारे भैया की इसमें दस्तखत भी है। ये लीजिए, हम पे विश्वास करो। यहाँ लिखा है माँ, समय हट हट भगवान। मेरे भैया ने मुझसे बगैर पूछे इतना बड़ा फैसला कर लिया। नहीं भैया, ये अपने अच्छा नहीं किया। कम से कम इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार अपनी छोटी बहन से पूछ तो लिया होता। बहन, मैं तुम्हारी सगाई मंत्री गंगा सिंह के साथ तय कर रहा हूँ। आज अगर मैं भैया की बात नहीं मानती तो क्या सोचेंगे? जब बचपन में माँ पिता का देहांत हुआ था, भैया ने मुझे माँ पिता भाई तीनों का प्यार दिया है। आज अगर मैं भैया की बात नहीं मानती तो उनके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचेगा। इसलिए हमें भैया की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे भैया हैं। जो फैसला किए होंगे सोच समझ के किए होंगे और हमारी भलाई के लिए किए होंगे। मंत्री जी, अरे भैया का जो फैसला सुनिए,
हमें हमारे भैया का फैसला मंजूर है। मंजूर है? जी हाँ। तो आओ चलते हैं जयपुर, वहीं पे हनीमून मनाएंगे। मंत्री जी, कैसी बात ही करते हैं। मेरे भैया ने मेरी सगाई आपके साथ तय की है, शादी नहीं कर दी जो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। जब सगाई पक्की हो गई तो समझो शादी पक्की हो गई। और विश्वास करो करना चाहिए। हाँ चले बेटा, तू बीच में नहीं बोलेगा। मंत्री जी, शायद आप ये नहीं जानते, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज के दिन हर बहन अपने भाई की कलाई में राखी का धागा बांधती है और उसे रक्षा का वचन लेती है। आज के दिन मेरे भैया कहीं भी होंगे, किसी भी हाल में होंगे, मुझसे राखी बंधवाने जरूर आएंगे। इसलिए जब तक भैया नहीं आ जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। देखिए मधुरानी जी, तुम्हारी भैया नहीं आएंगे क्योंकि इस समय बॉर्डर पे लड़ाई छिड़ गई है। तुम्हारे भैया वहाँ तोप चला रहे हैं, नहीं आएंगे। क्या लड़ाई? हाँ, अगर ऐसा होता तो भैया फोन करते। वहाँ पे गोलियां चला रहे हैं, फोन करने का टाइम नहीं है, इसलिए हमको भेजा है संदेश लेकर के। मेरी बात मानिए और चलिए जयपुर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी? भैया आएंगे मुझसे राखी बंधवाने। देखिए, अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम करे, अपने भैया के लिए एक पत्र लिख दे। पत्र? हाँ, एक खत लिख दे, ताकि तुम्हारे भैया यहाँ पर आएंगे, उस पत्र को पढ़ेंगे तब उन्हें मालूम हो जाएगा कि हमारी बहन जयपुर गई है। बिहारी लाल, एक सादा कागज और पेन लेकर के आओ। यह लियो कागज कलम के एजेंसी खोले। हाँ, यह लियो कागज, यह लियो कलम। कलम मधुरानी जी, ये पत्र मुझे लाए काम धैले कबो दिखावा को होई। अरे आप फाड़ क्यों रहे उसे? इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। चलो लिख दियो। क्या लिखूं? ये मां लिख दियो, मंत्री गंगा सिंह के माटी दिए। साला मीर कहां का ही था, तू नहीं बोलेगा बीच में। ना बोला। लिखिए, मेरे प्यारे भैया नमस्ते। मेरे प्यारे भैया नमस्ते। आपके कहने के अनुसार, आपके कहने के अनुसार मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ, मैं मंत्री गंगा सिंह के साथ जयपुर शहर करने जा रही हूँ। जयपुर शहर करने जा रहे, शेष बातें लौटने पे, शेष बातें लौटने पे तुम्हारी बहन, तुम्हारी बहन मधुरानी, मधुरानी दस्तखत बना दीजिए। अब काहे को शर्मा रही, जैसे गौनहाई में हिरिया खड़ी है यार। अरे आओ शर्माओ ना, अब हमारी तुम्हारी थोड़ी। हमको निरिक मना ही नहीं दिखा। क्यों साले, तू परिंदा हो गया है। 1 किलोमीटर दूरी रहत तो दिखा, मेरे दिखाते नहीं। जो साले नदी का अंधा है। नहीं जाओ, हमसे मतलब नहीं। तुम्हें काम करो, तुम चलो, हम चलिए, तैयारी बनो। ठीक, हाँ जल्दी आओ। चल आएंगे हम 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट आ जाओ। ठीक ठीक है, जाओ। मंत्री जी, मैं काफी देर से ये सोच रही थी कि मेरे भैया ने क्या देखकर मेरी सगाई आपके साथ तय किया है। काहे का हमें कोई कमी है? हट्टा कट्टा नौजवान ही है, है? तुम घबराओ नहीं। ए उस समय में तू माटी का गुंडा, मैं सोने की गुड़िया।
हराम खोर पाँच मिनट चमगादड़ की औलाद पाँच मिनट अभी गाँव है, अभी दो मिनट बाकी है। तो तेरी घड़ी फास्ट चलती है कह रहा है। अच्छा जल्दी आओ, जल्दी चल। तू माटी का बुंदा, मैं सोने की गुड़िया, तेरा मेरा प्यार हुआ तो यार बदल गई दुनिया, पीछे चल गई दुनिया, देख के महाबली क्या देख रहे हो? साहब हम देख रहे हैं बंगला किसका है। अरे तो कहीं के ये किसका बंगला नहीं है, बल्कि मेरा बंगला है। मेरा नहीं बंगला और क्या साहब, बंगला तो बड़ा बढ़िया बना। अच्छा है ना, देखो रद्दा के ऊपर रद्दा, क्या बढ़िया पेंट हुआ है घर। और ऐसा करो फटाफट तुम गेट के अंदर जाओ। अंदर न भेजो, अरे गेट के अंदर, अंदर बंगले के अंदर। हाँ और सुनो, जा करके देखो, मेरी बहन इंतजार कर रही होगी, उससे खबर करो कि तुम्हारे भैया सेनापति बाग सिंह आए हुए हैं और राखी बंधवाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। राइट, इसी वक्त हम फटाफट बता करके आओ, राखी बंधवाते हैं, सीमा बॉर्डर पे चलते हैं। ये सामान भी अंदर धर देंगे। अरे यही रख दो, कोई राखी बंधवाने के बाद तत्काल हमें सीमा बॉर्डर पे भी जाना है, खुशियां मनाएंगे, क्योंकि दुनिया का हर एक भाई आज खुशियां मना रहा है राखी बंधवा के। साहब अंदर गए, कमरा में देखा तो आपकी बहन है नहीं। नहीं है? नहीं साहब। ऐसा करो बगल वाले कमरे में देख करो जहाँ पे टीवी लगी है, क्योंकि वो इंतजार करते करते शायद सो गई हो बिस्तर पे। जा 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 फटाफट बता करके। बगल वाले कमरे। हाँ बगल वाले में। बगल वाले कमरे में गए, खोला तो मैं, टीवी चल रही। अच्छा टीवी चल रही, लेकिन आपकी बहन नहीं मिली, थाली सजी हुई रखी है। अच्छा अच्छा, ये आरती की थाली है। जी साहब, और इसमें पत्र भी रखा हुआ है। पत्र? क्या इसमें कुछ लिखा हुआ है? हाँ साहब लिखा पढ़ा है। अच्छा इसको पढ़ो, देखो क्या लिखा है, फटाफट पढ़ो। साहब ये बताओ चश्मा है? नहीं अब इसकी जरूरत नहीं पड़ी हमें, बिना चश्मा के हम कहाँ पढ़ पाओ साहब। क्यों, आंखें खराब हो गई क्या? आंखें माँ खराब हो गई साहब, बिना चश्मा के हम थोड़ा पढ़ पाएंगे। अच्छा लाचा खुद ही पढ़ लेते हैं। आप पढ़ो साहब, थाली तो पढ़ ले, झंडा पकड़। अरे वाह, राइटिंग तो हमारी बहन की है, ये देखो, क्योंकि इस राइटिंग को हम पहचानते हैं। राइटिंग तो बढ़िया है ना, पढ़ता हूँ देखता हूँ इसमें लिखा क्या है। इसमें क्या लिखा है साहब, जरा पढ़िए। प्रिय भैया सादर नमस्ते, नमस्ते बहना नमस्ते, बहना नमस्ते, और मैं आपके कहने के मुताबिक अपनी सगाई महामंत्री गंगा सिंह के साथ पक्की मान करके जयपुर की सैर करने जा रही हूँ। इस बात से मिलने पर तुम्हारी प्रिय बहन मधुरानी मेरे कहने पर महामंत्री गंगा सिंह के साथ सगाई मैंने उसकी पक्की कर दी है।
महाबली समझ गया इस शराब चादे की चाल को, जब इस शेर का सामना नहीं कर पाया तो आराम चादा भुसली का काम किया है। क्यों नहीं कहा? मेरी बहन तो बहका ले गया मुझसे बदला लेने के लिए, मेरी इज्जत की धज्जी उड़ाने के लिए। मैं तुझे चिंता नहीं छोड़ूंगा। और मधुरानी, तू मेरी इजाजत के बगैर अपने कदम बंगले के बाहर निकाला कैसे? मैं तेरी धज्जी उड़ा दूंगा। चलते हैं हम भी। हमका चुगल के चले आप पैदल के लिए आए। तो साले कंटे पर यहाँ क्या करने आया है? पीछे पीछे मुँह मेला देखा है। देख कितना मेला लगा हुआ है। ये सब कहे दुकान यही ला। देख जो चीज तू खाना चाहता हर चीज उपलब्ध है। सब चीज हाँ इधर देख। ये कहती सब जलेबी वाली दुकान यही, और वो कहती सब चौमीन बर्गर, और उधर ये तो सब मूंगफली की दुकान यही, और इस तरफ ये गुल लैया। क्या ये बताओ हमका गोलगप्पा की दुकान बताओ। अच्छा गोलगप्पा वाली दुकान है। गोलगप्पा वाली दुकान। अच्छा ये बताओ उल्टी पड़ी है। उल्टी रह दियो हमका चौमीन खाएगा। जाओ चौमीन खाते आओ। हाँ। और अगर दुकानदार पैसा मांगे तो हमारा नाम बता देना। बता दे कि दुकानदार पैसा न मांगे हमका मंत्री नंगा सिंह भेजे। गंगा सिंह। गंगा सिंह मिर्गा हाथ है। जय जाओ जय खाया है। जाओ ठीक। कितनी दूर है? ज्यादा मत मसलो नहीं मैं मर जाऊंगी। यार हमका लगा तुम्हें साथ हम खत्म हो जाओ। कहा यार ए तुमने रंगीले पे सजा दिया पिया पिया जलो न तो वाला दिया। Yeah, 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 yeah